चाहिए। जनरल हमीद गुल अल्लाह गरी के रहमत करे, अपने व्हेन आई वाज इन मैट्रिक और आई एम फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, मैं अक्सर जाया करता था उनके पास कि अंकल जी कुछ थोड़ा सा हमें भी बताएं। तो मैं बड़ा परेशान था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात जो हैं, हमें आपस में लड़वाने की साजिश की जा रही है, फिर ईरान से लड़वाने की साजिश की जा रही है, सारी चीजें की जा रही हैं। उन्होंने कहा बेटा परेशानी की जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते मौरख लिखता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दी। मैंने कहा दुरुस्त? कहते बेटा यहां तक बात खत्म नहीं होती, मैं रहूं या ना रहूं तुमने याद रखना है, तारीख गवाह होगी कि मौरख लिखने पे मजबूर होगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। आज आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट बात करेंगे, नो वन विल स्टॉप यू। आज आप ईरान सऊदीया तुर्की के खिलाफ बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन जरा सा खान बहादुर साहब को ललकार क्या दिया फौरन ना भाई ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है। बच्चा सच बोलना सीखें, सच का दिफा करना सीखें। माजरत के साथ मैं जब भी जाता हूं तो पर्चियां आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मुझसे ये रटी रटाई तकरीर नहीं होती कि दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क्याम के लिए हमें अमेरिका का साथ देना होगा और मलाला बड़ी नेक खातून है, माजरत के साथ ये काम मुझसे नहीं होता। मुझसे ये काम नहीं होता कि आप पाकिस्तान की इज्जत को इंटरनेशनल लेवल पे बेच के ऑस्कर प्राइज दें और मैं उसे खराज तहसीन पेश कर रहा हूं। मेरे लिए कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, मेरे लिए कौम की बेटी एपीएस पिशावर की वो प्रिंसिपल है जिसने खुद को जलने पर रेजामेंट कर दिया लेकिन बच्चों को जलने से बचा दिया। दिस इज द पैट्रियोटिक एलिमेंट ऑफ पाकिस्तान।